और मैं इसलिए कि पूरे समय का सेवक हूँ, आप मेरे को गलत ना समझें। आई एम नॉट सेइंग दैट, मैं ये नहीं कह रहा। बट परंतु यू नो, आप जानते हैं, वेयर यू वुड हैव गिवन टाइम टू गॉड, कि आपने कहां पर परमेश्वर, एंड वेयर यू स्टोल द टाइम, और कहां पर उस समय को चुरा लिया, आउट ऑफ हिम, और उससे छीन लिया, एंड स्पेंड इट ऑन योरसेल्फ, और उसको अपने ऊपर लगा दिया। संडे मॉर्निंग, और इतवार टेक माय सिल्वर एंड माय गोल्ड, कि मेरा सोना और चांदी ले ले, नॉट अ माइट विल आई विथहोल्ड, और मैं एक दमड़ी भी अपने पास नहीं रखूंगा, और वो एक झूठ है। Whether it is Joy Thomas or you, और चाहे वो जॉय थॉमस हो, इट्स अ लाई, ये एक झूठ है। टेल मी इफ इट इज नॉट अ लाई, क्या ये झूठ नहीं है? आई फील सो सैड फॉर सम ऑफ अस,
और हम में से कुछों के लिए मैं बहुत As I said, I'm not saying this because I'm a pastor here. और इसलिए नहीं कह रहा कि मैं यहाँ पर पास्टर हूँ But with a burden for some of us. परंतु हम में से कुछों के लिए Why? Why is your life like this? और आपका जीवन ऐसा क्यों है Why you take things out of God's hand, which belongs to Him? और वो Why do you do that? Not once, twice, but continually. I love you in Christ. I love you in Christ. और मसीह में मैं आपसे प्रेम करता हूं. Let me have the privilege to say this because I love you in the Lord. और मैं प्रभु में आपसे प्रेम करता हूं इसलिए मुझे ये मौका मिले कि मैं ये कहूं. You pull things out of His hand which belongs to Him rightfully. वो चीजें जो कि उसके हाथ में Why do you do that? और उसका हक उन पर है आप उसको ले लेते हैं. I say this in the love of Christ. मैं मसीह के प्रेम में ये Not to condemn anybody. किसी को रद्द करने के लिए नहीं. As I said, whether it's Joy Thomas or you. और जैसे मैंने कहा चाहे Joy Thomas हो या आप It doesn't matter. इसकी कोई बात नहीं. I'm a liar before him. और मैं उसके सामने एक झूठा. If there's no reality within. और यदि मेरे भीतर वास्तविकता नहीं. Why is it saints of God? और ऐसा क्यों है परमेश्वर के पवित्र लोग? Oh, may God deliver us. परमेश्वर हमें इससे छुड़ाए. This battle is to be victorious battle. और ये युद्ध जो है वो विजयी युद्ध होना चाहिए. That is God's mind. ये परमेश्वर की मंशा है. It's a salvation. एक उद्धार है. Your soul and mine. आपके और मेरे प्राणों के लिए. It is the winning of this soul at the end. और अंत में इस प्राणों पर जीतना है. Why? क्यों? Why is it saints of God? ऐसा क्यों है परमेश्वर के पवित्र लोग? May we be open to the Spirit of God. हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा के लिए खुले रहें. Why is it when it comes to God we are weak? और जब परमेश्वर की बात आती है तो हम दुर्बल हो जाते हैं. और ऐसा क्यों है? Why is that when it comes to Him we are weak? और ऐसा क्यों है कि जब परमेश्वर की बात आती है तो हम दुर्बल हो जाते हैं? Our things we are strong. परंतु जब हमारे खुद की बातें आती है तो हम दृढ़ हो जाते हैं. ऐसा क्यों है? Why can't it be the other way? ये उसका उलट क्यों ना हो? Strong will. एक दृढ़ इच्छा. My way. मेरा मार्ग. My feelings. मेरे एहसास. My things. मेरी चीजें. Do you have any respect for Christ? क्या मसीह के लिए आपके मन में कोई आदर है? Who lives within you? जो आपके भीतर जी रहा है. If you have that. और यदि है ये. Let's be willing to change in these days. तो इन दिनों में इच्छुक हो कि हमारा परिवर्तन हो. We can sing songs of consecration. हम पवित्रता के वो गीत गा सकते हैं. That's why when we come on and come together to worship the Lord, we often encourage people to be careful as to what we sing. और इसी कारण से जब हम एकत्र होते हैं और प्रभु की आराधना करने लगते हैं तो लोगों को हम कहते हैं कि वो सावधान रहें कि हम क्या गा रहे हैं. We can sing songs of consecration. और हम पवित्रता के और अलहदगी के गीत गा सकते हैं. Surrendering all to Him. और उसको सब कुछ देते हुए. I'm not saying we are not a singer. और मैं ये नहीं कहता कि हमें ये नहीं गाना है. But when we sing that, परंतु जब हम इसको गाते something happens inside of तो हमारे भीतर कुछ होता है. The Spirit tells you where you are. और आत्मा बतलाता है कि आप कहां पर खड़े हैं. There's a brokenness within. और अंदर से एक टूटापन होता है. You begin to reach out to the one who is able to help you. और आप उस तक पहुंचने लगते हैं जो कि इस योग्य है कि आपकी सहायता करे. Who knows you through and through. और जो आपको पूरी रीति से जानता है. Saints. परमेश्वर के पवित्र लोग. God hears everything. परमेश्वर हर एक चीज सुनता है. And he is not deceived. और उसको धोखा नहीं दिया जा सकता. Do you know what he says? और वो क्या कहता है आप जानते हैं? This is what he said in Ezekiel. और Ezekiel की पुस्तक में उसने ये कहा. With their mouth they show much lie.
अपने मुख से वो बहुत अधिक प्रेम दर्शाते हैं. With their mouth they show much love. अपने मुख से वो बहुत अधिक प्रेम दर्शाते हैं. But their heart. परंतु उनके हृदय goes after their own covetousness. उनकी अपनी लालसाओं में उसके उनके हृदय हैं. May God help us to look at our own lives. परमेश्वर सहायता करे कि हम अपने जीवनों की जांच करें. The Holy Spirit, पवित्र आत्मा, He is our helper. वो हमारा सहायक है. I'm sure God doesn't condemn anybody this morning here. और आज सुबह मेरा पूरा विश्वास है कि परमेश्वर किसी को रद्द नहीं कर रहा. He loves us. वो हमसे प्रेम करता है. He wants to change us. वो हमारा परिवर्तन चाहता है. God is here in His faithfulness once again. और परमेश्वर अपने विश्वास योग्यता में एक बार फिर से यहां पर है. नॉट टू कंडम एनीवन, किसी को रद्द करने के लिए नहीं. नॉट टू नॉर इवन टू कंडोन अस टू कंटिन्यू ऑन टू लिव इन सिन. और ना ही वो इसलिए किसी को चाहता है कि वो अपने पाप में निरंतर रूप से चलता रहे. No. नहीं, He neither condemns. ना तो वो रद्द करता nor है he condones. और ना ही एनीवन ऑफ अस टू लिव ऑन इन द सोल रियल. कि हम में से कोई भी जो कि उस प्राणों के वातावरण में जीना चाहता है. God wants to change us. परमेश्वर हमें बदलना चाहता है. Saints, let's not compare ourselves with others. हम अपनी तुलना दूसरों से ना करें. It's not wise. ये समझदारी की बात नहीं. It's always wise to hear God and live for Him. समझदारी इसमें है कि सदा ही परमेश्वर की सुने और उसी में जिए. Many, many believers are going to be shocked. बहुत से विश्वासी जनों को झटका लग सकता है. On that day, many are going to be shocked. उस दिन बहुतों को ये झटका लगेगा. Like those who are mentioned in Matthew chapter 7. उन लोगों की तरह जिनका मत्ती की पुस्तक 7वें अध्याय में वर्णन है. Who did many wonderful things. जिन्होंने बहुत से अद्भुत कार्य किए. Like the foolish virgins. और जैसे कि वो मूर्ख कुंवारियां थी. They were shocked. उनको झटका लगा. They were taken by surprise. और उनको एक आश्चर्य हुआ. Many will regret on that day. उस दिन बहुत से लोग पछताएंगे. I just want to share an example. एक उदाहरण बतलाना चाहता हूं. Which I shared some time back, I don't know. और कुछ समय पहले मैंने बतलाया था शायद. The example of the game called Monopoly. और मोनोपोली के नाम की जो गेम है, खेल है. We used to play it. हम इसको खेलते थे. And if you are familiar with this Monopoly game. और यदि मोनोपोली की खेल जो है, इसमें आप यदि आप जानते हो इसे, परिचित हो. In that game, you begin to earn money. और इसमें आप धन कमाने लगते हैं. And suddenly you will enter into acquiring a big hotel. और अचानक एक बड़े होटल में आप प्रवेश करते हैं. एंड यू acquire, यू own it. और उसको आप खरीद लेते हैं. यस. सो इन दैट गेम एज यू प्ले यू कैन possess मेनी थिंग्स, होटल्स एंड मॉल्स एंड सो मेनी थिंग्स. तो ये खेल जो है, इसमें बहुत सी चीजों के आप मालिक बन जाते हैं, जैसे होटल्स हैं, मॉल्स हैं और बहुत सी चीजें, संपत्तियां, हाउसेस, मकान हैं, एंड सो मेनी थिंग्स और बहुत सी, एंड इवन मनी और यहां तक के पैसा भी. बट व्हेन द गेम इज ओवर, परंतु जब वो खेल खत्म होता है, व्हाट यू हैव इज व्हाट इज लेफ्ट इन योर पॉकेट. और आपके पास जो जेब में होता है वही होता है, बाकी कुछ नहीं. Many are going to be shocked on that day. बहुत से लोग उस दिन आश्चर्य में पड़ेंगे. When the game of this life is over. जबकि इस जीवन का खेल खत्म हो चुका होगा.
nothing is left of eternal value. तो कोई भी चीज सनातन कालीन मूल्य की नहीं रहेगी. Many have lived a life. बहुत से ऐसा जीवन जिए हैं. Useless. जो व्यर्थ है. Useless life. व्यर्थ जीवन. They sought for honor. और उन्होंने अपने इज्जत मान की खोज की. Which evaporated. और जो के खत्म हो गया. In the light of eternity, it just evaporated. और सनातन कालीन जीवन के अंदर वो उड़ गया हवा में. Worldly ambitions. और संसारिक अभिलाषाएं. They were lost. वो सब खो गई. All that they invested their money, energy, it all finished. और वो सारी चीजें जिस पर उन्होंने अपना धन खर्चा था, समय खर्चा था, सब खत्म हो गया. Money can be an excellent servant. धन पैसा एक अच्छा दास हो सकता है. If you keep yourself in mastery over it. यदि आप अपने आप को उसको उसके ऊपर काबू करेंगे. But if not. परंतु यदि नहीं. He can be a terrible master over you. तो वो आपके ऊपर एक भयंकर स्वामी बनकर आएगा. Saints of God. परमेश्वर के पवित्र लोगों. We need to really check and examine our lives in these days. हमें चाहिए कि हम अपने जीवनों की जांच करें इन दिनों में. Satan has enticed believers or live for themselves. शैतान ने उकसाया है विश्वासी जनों को कि वो अपने ही लिए to seek their own. कि अपनी चीजों की खोज करें. And look at even the Christian world. और यहां तक के मसीह संसार को भी देखें. Families, homes have become war zones. और परिवार और घर जो हैं वो युद्ध के क्षेत्र बन गए हैं. As we were having those studies, divorces, remarriages, stepchildren, oh my God, look at the mess that is there. और जैसे कि उस मनन को हम कर रहे थे, तलाक और फिर से विवाह करना और फिर उसके बाद सौतेले बच्चे और ये सब चीजें, कैसी भयंकर बातें हैं ये. It is time to weep between the porch and the altar and seek the Lord. और ये वो समय है जबकि उस दालान और वेदी के बीच yes, में the leaders condone everything. The leaders allow the people to go on living that way. और जबकि अगवा थे उन्होंने हर एक चीज की अनुमति दे दी लोगों को कि जैसे वो जीना चाहें जिए. Saints of God. परमेश्वर के पवित्र लोग. Self goes on living. खुद ही जो है वो जीते जा रही है. It's time for us to seek the Lord. और ये समय आया है हमारे पास कि प्रभु की खोज करें. May we realize. और इस बात को हम जान लें. That this battle is precipitated by a life with Him. और ये युद्ध जो है ये उस जीवन के कारण से जो भीतर है उसी से वो उठा. And this self has to be won, overcome. और ये खुद ही जो है इसके ऊपर विजय प्राप्त करना आवश्यक. We are not to live for ourselves. हमें अपने खुद के लिए नहीं जीना. But unto him. परंतु उसके लिए. The spirit is here in us to this end. और हमारे भीतर आत्मा जो है इसी अंत तक हमें पहुंचाने के लिए. The blood of Christ is available to us to this end. और मसीह का रक्त जो है वो हमारे लिए उपलब्ध है कि हम इस छोर तक पहुंचे. And may the Lord help us. और प्रभु हमारी सहायता करे. And I would say in closing. और मैं अंत में कहना चाहूंगा. Let us examine our own life. हम अपने खुद के जीवन को जांचें. Let's not blame anybody else. किसी को आरोप ना दें. But be honest to accept what we are. परंतु हम स्वीकार करें कि हम क्या हैं. And go on to God's desired end in our lives. और परमेश्वर का जो इच्छुक अंत है अपने जीवन में उसकी ओर बढ़ते चले. I can see. और मैं देख सकता हूँ. How coldness has been setting in to some young lives. और कुछ युवा जीवनों के अंदर ठंडापन आ चुका. Slowly. और धीरे-धीरे. Moving away from God's purpose, unto which God primarily brought them to this city. और धीरे धीरे वो परमेश्वर के उद्देश्य से अब दूर होते जा रहे हैं जिसके लिए परमेश्वर ने इस नगर में उनको लाया था.
God's loss can never be your gain. और परमेश्वर की हानियां और नुकसान आपका लाभ कभी नहीं होगा. God's defeat can never be your victory. और परमेश्वर की पराजय आपकी विजय कभी नहीं हो सकती. I want to tell you this. और मैं ये कहना चाहता हूँ. May God help us to be sensitive to the Holy Spirit and to His burden this morning. और परमेश्वर सहायता करे कि पवित्र आत्मा के से हम प्रेरित हों और इस बोझ तले आ जाएं. And may we be open for changes. और हम इच्छुक हों कि हमारे May we be open to repent before him today. और हम खुले रहें कि प्रभु के सम्मुख हम पश्चाताप कर सकें. And let none say, और कोई ऐसा ना कहे, I am free from this in my life. कि मैं इससे अपने जीवन में मुक्त हूँ. That is not the truth at all. वो असल में सच्चाई नहीं है. But let every one of us be open to the Spirit of God. परंतु हम में से प्रत्येक जन परमेश्वर के आत्मा के लिए खुला रहे. वो हमें ले जाएगा इन क्राइस्ट जीसस, मसीह यीशु के उस इच्छुक अंत की ओर. You know, so may we be open to God. और इसलिए हम परमेश्वर के लिए खुले रहे. As I said, I am not here to condemn anybody. जैसे मैंने कहा कि मैं किसी को यहाँ पर रद्द करने not के लिए नहीं condone, और ना ही किसी को मैं उत्तेजित करने के लिए to convict us. लेकिन पवित्र आत्मा यहाँ पर मौजूद है कि हमें एहसास दिलाए, to help us, हमारी सहायता करे, to repent, कि हम पश्चाताप करें, turn, मुड़े, and that we would go on in saving the soul, कि हम आगे बढ़कर प्राणों को बचाएं, to win the soul, और इस प्राण पर विजय प्राप्त करें. May the Lord help us. परमेश्वर सहायता करे. Shall we look to the Lord in prayer? Thank you, Jesus. Be